वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल sharebazaar.com। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया शेयर के बारे में। तो दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का शेयर अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उछाल कर देखा गया है, और इसके पीछे का गाइस मुख्य कारण रहा है कि वोडाफोन आइडिया अभी जो है स्पेक्ट्रम में पार्टिसिपेट करने वाला है। तो गाइस, यहाँ पर बहुत ही बड़े अपडेट्स आए हैं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले गाइस, मैं आपको बता दूँ, अडानी जैसा नेटवर्क, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जो है बिड करने वाले स्पेक्ट्रम में। तो गाइज, इसकी जो स्पेक्ट्रम की डेट रखी गई है वो 26 जुलाई की रखी गई है। तो गाइज, यहाँ पे सारी कंपनियाँ जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्पेक्ट्रम में पार्टिसिपेट करना चाहेंगी, और इसमें जो है अपना जो एक सूटेबल टारगेट है उसको अचीव करने की कोशिश करेंगी। वहीं पर जो स्पेक्ट्रम के बैंड रखे गए हैं 2022 ऑप्शन के, वो सेक्शन ले रहे हैं MHz 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300, 26 GHz तक के जो है बैंड रखे गए हैं, जो कि डॉट के द्वारा रखा गया है। तो गाइस, स्पेक्ट्रम में जो है काफ़ी ज़्यादा होड़ देखने को मिल सकती है, और इसका जो शुभारंभ होगा 26 जुलाई को होगा। साथ ही गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर आप उन लोगों में से जिनको स्टॉक रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज रहती हैं, और अगर आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है और आपको पता नहीं है कि आप किस तरीके से उसमें से एंट्री एग्जिट ले सकते हैं, तो गाइस आप हमारे टेलीग्राम चैनल sharebazaar.com को ज्वाइन कर लीजिए अभी के अभी। और अगर आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से कंटिन्यूसली रेगुलरली अपडेट मिलता रहे। साथ ही गाइस, मैं आपको बता दूं, वोडाफोन आइडिया ने जो है एक बहुत ही बड़ा कोर्स लॉन्च किया है, जो कि उन बच्चों के लिए काफ़ी सूटेबल हो सकता है जिन्होंने अग्निवीर में जो है अपना फॉर्म डाला है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो है वोडाफोन आइडिया बच्चों को तैयारी कराएगी, और आप देख ही रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा जो है डिजिटल ऐप्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। वो इसलिए कर रही है ताकि इनके जो सब्सक्राइबर है वो बढ़ पाए, और सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो गाइस इनका जो अल्टीमेटली प्रॉफिट होगा, एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट, वो भी जो है बढ़ेगा। उसके साथ ही गाइस, मैं आपका बता दूं, यहाँ पे 5G के जो लाने के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है गाइस, वो बता रहे हैं इनके जो CEO हैं, 25,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट जो है इनके लिए काफ़ी रहेगा, जहाँ पे ये अच्छे तरीके से अपनी 5G के सर्विसेज को जो है इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे अमेजोन ने जो है इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा है वोडाफोन आइडिया में। इसमें 30 मई को जो रिपोर्ट आया था, लेकिन उसके बाद से जो है गाइस कोई भी अपडेट अभी नहीं आया है, तो ना ही कोई इन्वेस्टमेंट जो है किया गया है अभी वोडाफोन आइडिया में। साथ ही मैं आपको बता दूँ, वोडाफोन आइडिया ने जो है पिछले कुछ समय पर काफ़ी ज़्यादा नए यूजर्स ऐड किए हैं, सबसे ज़्यादा इन्होंने जो है गुजरात में करे हैं, और टोटल सब्सक्राइबर की अगर मैं बात करूँ तो 2,58,722 का इन्होंने जो है गाइस करा है। और गाइस, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे KM बिरला जो कि आदित्य बिरला ग्रुप के साथ में जुड़े हुए हैं, उनका मानना है कि वो जो है 5G के साथ में और वोडाफोन आइडिया के साथ में ही जुड़ा रहेंगे, और उनका जो है अभी प्लान जो है सेपरेट होने का नहीं है। साथ ही मैं आपको बता दूँ, PM मोदी जी ने इनॉग्रेट कर दिया इंडिया का फर्स्ट 5G टेस्ट फोर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है एक अचीवमेंट है इंडिया के लिए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर 220 करोड़ की जो है लागत रखी गई थी, इस पर खर्चा हुआ है 5G टेस्ट फोर्स का, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी काफ़ी ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर को लेकर। तो गाइस, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा है, 5.37% का नेट सेल्स रही थी, और तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँगा तो 6.14% का रहा था। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बस वोडाफोन आइडिया के बारे में इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।